नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड सरकार ने जो एक अहम फैसला लिया है, अब पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर जन स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाले को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के 11 ब्रांडों के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध कई जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। बता दें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी समेत कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक ये फैसला सरकार ने लिया है कि अब पान मसाला पर प्रतिबंध रहेगा। भंडारण और विनिर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध, 11 ब्रांड के पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अविनाश, और ये बड़ा फैसला सरकार का, और पूरे 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जाहिर है लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को ख्याल रखा गया है और सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। जरूर आरती, और यह भी हम कह सकते हैं कि इस कोरोना संक्रमण के दौर में ये ज़रूरी भी था कि लगातार जिस तरह से आम लोगों के बीच अगर हम इस तमाम तरह के नशीले पदार्थों के सेवन की बात करें, और इसके सेवन के साथ जिससे पहले भी अगर आपको याद होगा कि तंबाकू पर रोक लेकर भी सरकार ने पहले फैसला लिया था, उस वक्त ये कहा भी गया था कि इस तरह के सेवन से और जहाँ तहाँ थूक फेंकने से इस संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस वक्त मुख्यमंत्री भी जब बाहर निकले, उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो भी राज्य के लिए इस संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर होगा वो सरकार और जिला प्रशासन जरूर निर्णय लेगी। जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया, 11 तरह के ब्रांड हैं जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। झारखंड ऐसा तीसरा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र बिहार के बाद तीसरा राज्य है देश का जहां पूर्ण रूप से कह सकते हैं पान मसाला पर बैन लगाया गया है। हमारे साथ मनोज पांडे जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं, जेएमएम से हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और 12 महीने तक इस तरह के पान मसाले झारखंड में किसी भी तरह से बिक्री नहीं होंगे, ना ही इसका कोई उत्पादन होगा, निर्माण होगा। मनोज जी, इस निर्णय को सिर्फ हम कोरोना के साथ ही जोड़कर देखें या एक बहुत बड़ा सवाल ये कि झारखंड की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। मुझे लगता है जो अभी वर्तमान में स्थिति है पूरे झारखंड की, पूरे देश की, उसमें कोरोना से लड़ने में एक बहुत ही मददगार साबित होगा ये निर्णय सरकार का कि जो प्रतिबंध लगाया गया थूकने से, जहां तहां थूकने से भी संक्रमण बढ़ता है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है और उसकी रोकथाम होगी। दूसरी बात, इस सरकार के लिए ये प्राथमिकता नहीं है कि मुझे गुटखा या पान मसाला या और भी तंबाकू बेचकर राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो हम अपने लोगों को, झारखंड के लोगों को, उस तरह की चीज़ें को खरीदने की अनुमति दें या सेवन की अनुमति दें जो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक है। अभी जो 41 तरह के पान मसाला पर जो टेस्ट किया गया, उसकी परीक्षण की गई, उसमें स्पष्ट आया कि 11 उत्पादों में मैग्नीशियम कार्बोनेट जो पाया जाता है, जो कि बहुत ही जहरीला और शरीर के लिए खतरनाक, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो हमारे सरकार के लिए वो भी बहुत आवश्यक है कि हमारे लोग, झारखंड के लोग सभी स्वस्थ रहें, और खास करके इस कोरोना संक्रमण के दौर में जब इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी एक ताकत है संक्रमण से लड़ने की, तो वैसे में मुझे लगता है ये निर्णय दोनों चीजों को दर्शाता है, सरकार की पहली प्राथमिकता। चलिए, तो सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है अविनाश, कि झारखंड की जनता का स्वास्थ्य बेहतर रहे कोरोना इफेक्ट को देखते हुए। हमेशा से झारखंड में अधिकारियों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पिछले 3-4 महीने का ही कार्यकाल में आपको लगा होगा कि जो प्रतिबद्धता उनमें है, जो फैसले वो लेते हैं उसे धरातल पर भी उतारने की क्षमता और ताकत और एक प्रतिबद्धता है। जब फैसले लिए गए हैं तो वो धरातल पर उतरेंगे,
अधिकारियों को ही एक्सक्यूट करना है। 11 ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है सरकार ने, 12 महीने के लिए यह बैन लगा है और अब झारखंड तीसरा राज्य हो गया है देश का ऐसा जहां पर पूर्ण रूप से पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया अविनाश। तो पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और देश का तीसरा राज्य बन गया है झारखंड। ये फैसला लेने वाला अगले 12 महीने तक बैन रहेगा और बताएं आपको कि इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है सरकार ने। तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत अगर हम देखें तो 38.9% लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन अब इसकी बिक्री, भंडारण और विनिर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।